अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माला तुम्हारी मामी की, और जब तक ये मेरे गले में है वो जहां कहीं भी है उसे कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम्हें क्या हुआ? मामी कहीं दिखाई नहीं दे रही। समझ लो ये तुम्हारी मामी का आशीर्वाद है। देखा, आ गई ना हंसी। अरे बढ़ के बउआ, किस मनहूस का आशीर्वाद जबरदस्ती दिला रहे हो इस बच्ची को? थोड़ा हमारे को दो, हमारी बच्ची। सॉरी कि मुझे तुम्हें घर लाना पड़ा। यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पर यहाँ पे यू विल बी सेफ। राजीव, ये क्या किया तुमने? इस जिंदा लाश को घर में उठा के क्यों लाए? हम इसे इस घर में नहीं देखना चाहते। पाप, भाई आप क्या कह रही हैं? ये मरी नहीं है, जिंदा है अभी। इसकी सांसें भी चल रही हैं और दिल भी धड़क रहा है। मैं इसे कैसे छोड़ता हॉस्पिटल मरने के लिए? एक चमत्कार की उम्मीद में ले आया इसे। वाह वाह वाह, एक अनजान को मरते हुए नहीं देख सकते, उसके लिए चमत्कार का इंतजार है। और हमारी बेटी, हमारी बेटी के लिए इंतजार नहीं कर पाए वो तुम्हें थे ना, जिसने हटा दिया था उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। क्या पता शायद हमारी बेटी भी बच जाती। माँ प्लीज, माँ माँ मुझे और गिल्ट में मत डालिए। माँ प्लीज, मुझे डॉक्टर संदीप से जल्दी से कनेक्ट कर दीजिए, अर्जेंट है। इट्स एन इमरजेंसी। अरे भाई नहीं, जल्लाद हो तुम, जल्लाद बढ़ के बउआ। आरती का जिंदगी में तो आग लगा दिया तुमने। अभी छोटी सी बच्ची बिना बाप के जिंदगी भर जलेगी, और बच्ची को बचाने का दिखावा जो कर रहे हो ना तुम, जरा देखो अपनी बहन को, देखो उसको और सोचो, जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है तो इस बच्ची को जिंदगी भर का कहाँ संभालेगी?
दोबारा शुरू मत कीजिए बड़ी मां। मैं साफ साफ कह चुका हूं और अभी भी उस बात पे कायम हूं, उस नीच इंसान सौरभ के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। उसने जो किया है उसके बाद मैं उसे आरती और इस बच्चे की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। और रहा सवाल इस बच्ची का, तो इसे मैं संभालूंगा। अरे बड़ के बउआ, बड़ा बड़ा बातें बनाना बहुत आसान है, बिना बाप के बच्ची को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ना बड़ के बउआ, ये तुम नहीं समझोगे। हमसे पूछो, हमसे उस दंश से हम गुजरे हैं। इसका पति अभी है, जिंदा है, मगर ये उसी जगह आके खड़ी हो गई जहां पर कभी हम खड़े थे। अरे क्या कर रहे, अरे जब तक इसका मामा जिंदा है इसे पालने के लिए मुझे सौरभ की जरूरत नहीं है। बढ़ के बहुआ, तुमको अपना काम से, और वो जो लड़की चली गई ना इस दुनिया से, उसका दुख मनाने से फुर्सत मिलेगा तो ना संभालोगे बच्ची को। अरे बढ़ के बहुआ, तुम तो साल से ज्यादा हो गया अपने होश तक में नहीं हो, बात करते हो बच्चा संभालेंगे हम, बिना बाप के बना के रख दिया हमारी दुदमुआ बच्ची को। बड़ी माँ आप क्या कह रही हैं ये, हाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप बिग बी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ये मत भूलिए कि बिग बी हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों को संभाले हैं आज तक। हाँ माँ, हम सब जितना भैया के साए में खुद को सेफ महसूस करते उतनी ही सेफ हमारी बच्ची इनकी गोद में है। बच्चों से इतना ही प्रेम है तो अपना खुद का बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेता है? हाय रे विधाता, क्षमा 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 क्षमा, बच्चा पैदा कैसे होगा? वो तो स्वर्ग से धार गई, तो कहां से बच्चा पैदा होगा? और तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं, पढ़े में क्या कर रही हैं आप? बिग्बी को थोड़ा वक्त दो, वो खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हवन का समय बीता जा रहा है, सब परिवार हवन में आके बैठिए, बच्ची का क्या नाम रखना है बताइए। सुमन सुमन सुमन। सुमन तुम कहाँ हो? सुमन कहाँ हो तुम? लक्ष्मण जी,
सुमन। राजेश जी, उस सौरभ की प्रॉपर्टी का एक एक इंच नीलाम कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं उस नीच इंसान को सड़क पर देखना चाहता हूं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं रह सकता। सुमन, क्या कर रही हो? रुको, अरे क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये सब? क्या कर रही हो? लेट जाओ, चलो लेटो। हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम नहीं जा सकते अभी, अभी तुम वीक हो, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो, लेट जाओ चलो। समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मर जाओगे तुम। देखो तुम एक साल से कोमा में हो, इतना फास्ट मूवमेंट तुम्हारे ठीक नहीं है, रिलैक्स करो प्लीज। हमें जाने दे, एक प्लीज प्लीज। ओके, कोई बात, रिलैक्स। You'll be better. दिलेश, बच्ची का नाम सुमन रखा है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, इसी बहाने सुमन की कभी खलेगी नहीं हमें। सुमन क्या चली गई इस घर से, सारी रौनक चली गई। महन जी ने भी आना छोड़ दिया, वो शिखर बाबू भी यूएसए चले गए, जाने क्या हो गया इस घर को। माँ, आंचल संध्या जी का रिश्ता बिग बी से करवाने के लिए बात कर रही थी बड़ी माँ से, और जैसा कि आपको पता ही है, संध्या जी पटना कोर्ट में जूनियर लॉयर है, सेंसिबल भी है और एजुकेटेड भी, तो बिग बी के लिए आई थिंक सही लाइफ पार्टनर होंगे वो। एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बाय गॉड, सुमन दीदी से भी ज्यादा। तो क्या गलत कह दिया आंचल बहुरिया ने? अरे भाई, जिंदगी वहीं पे खत्म तो नहीं हो जाती है ना, सुमन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मेहमान जी, हमारी बच्ची का नाम सुमन रखने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? दादाजी बहुत इज्जत करते थे हम आपकी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका अंशुमन और आपका पूरा परिवार हमें हमारी बच्ची से अलग नहीं कर सकता। हमारा हमारी बच्ची पर पूरा अधिकार है। छोड़िए हमारी बच्ची को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और भांजी को छूने की? अगर अब हाथ बढ़ाया तो तेरा हाथ तोड़ के फेंक दूंगा। हाथ तोड़ देंगे? तोड़िए, तोड़िए हाथ, लीजिए तोड़िए,
बहुत गुरूर है ना आपको अपनी पावर का, क्या लगता है आपको ताकत बस आपके पास ही है? हम भी ताकत दिखा सकते हैं। मेरे बिग बी या इस घर में किसी को भी छूने की हिम्मत की नहीं, हाथ पैर सब कुछ तोड़ दूंगा। नंदन, नंदन छोड़ो, छोड़ो नंदन, रिश्तेदार है हमारा और रिश्तेदारी की कुछ मर्यादा होती है। और सौरभ बाबू, आप भी अपनी सीमा में रहिए, समझे? कैसी रिश्तेदारी दादाजी? जिस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना दिया, उससे क्या रिश्तेदारी निभानी? तो अपनी बहन को आप अपने पास ही रखिए। टीका, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए और उसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट जाएगा तू? लगता है तुझे तेरी बर्बादी की खबर अभी तक मिली नहीं। सब खबर मिल चुकी है मुझे अंशुमन मिथिलेश झा, हमको बर्बाद करोगे, हम तुमको मिटा देंगे। नहीं नहीं, अंशुमन यही नाम दिया ना तुमने, कौन है वो, नंबर याद है? याद है तुम्हें नंबर? बताओ क्या है? क्या कर रहे हो दामाद जी, ये ऐसा बर्ताव आपको शोभा देता है? और तुम दोनों तो समझदारी से काम लो। अंशुमन, नंदन, दामाद जी आपसे विनती करते हैं, अपनी रिश्तों की मर्यादाओं में रहिए। अंशुमन, अब दामाद जी से कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं माँ, ऐसे नीच इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं अंशुमन, नंदन, इसे सिर्फ घर से नहीं, घर के कंपाउंड से बाहर निकालकर फेंक दे। आरती, 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 दीदी, ए बिटिया, आरती, 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 आंखें खोलो आरती। अपना काम हो गया सौरभ, मार खाना बंद कर दे और चल अब निकलते हैं यहां से। हाँ चल, पानी लेके आरती। आरती आंखें खोलो। हमारा मकसद आप लोगों को हमें मारते हुए और आरती को दौरे पड़ के गिरने को रिकॉर्ड करने का तो था ही, वो हो गया और अब हम कोर्ट में साबित कर देंगे और तुम्हारी बहन एक माँ के रूप में मेडिकली अनफिट है और अब हम देखते हैं कि कोर्ट कैसे हमें हमारी बेटी की कस्टडी नहीं देता।
यह सब तुम्हारी वजह से। बहुत पावर है तुम्हारे बिग्बी के पास। जाओ देखते हैं कौन हमें रोकता है। भगवान जी का कहना। डॉक्टर जल्दी आइए, इमरजेंसी है। होश में आओ। अरे उसमें आके क्या करेगी, क्या करेगी उसमें आके? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने बड़के बहुआ, अब क्या उसमें आके करेगी? जाने अब इसके बच्चे का क्या होगा। भारती, भारती होश में हो? स्टिचित तो रह गई। क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गई? स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। मैं नहीं चाहता कि ये और स्ट्रेस ले, क्योंकि अगर अभी ये कोमा में गई तो उसका बचपाना मुश्किल हो जाएगा। जो नंबर इसने बताया उस पर कॉल करके देखता हूँ, शायद इनकी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हेलो।